महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हुआ। यहां एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने विधायकों के साथ एनडीए का दामन थाम लिया और डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली। उनके साथ ही 9 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उधर इस बागपत के बाद अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर एनडीए में आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी इस बगावत के बाद शरद पवार के साथ ही कांग्रेस और उद्धव गुट हमलावर हैं। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी छोड़ने वाले नेताओं का कदम पार्टी के खिलाफ है, मैंने ऐसी बगावत पहले भी देखी है, फिर से खड़ी करूंगा पार्टी। एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग 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 गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी एब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज़ का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए, जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है, और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं, आरआर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम, सुनील तटकरे, हम सब यंग लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बंसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है, और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है।
और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को। महाराष्ट्र की राजनीति का पावर गेम बदल चुका है। एनसीपी नेता अजीत पवार महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो चुके हैं। अजीत पवार समेत 9 एनसीपी नेताओं के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में रविवार को हुए घटनाक्रम और भविष्य की कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी है। पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि बैठक बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे दक्षिण मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में होगी। एक पार्टी के रूप में एनसीपी एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार का समर्थन नहीं करती है।